नमस्कार जी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्सों के लिए नया नोटिस जारी किया है। 18 अगस्त 2020 है हो चुकी है आप सभी के लिए। वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षा से जॉब से संबंधित प्रत्येक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए डाउट नेट पे होगा। अब आपके सभी डाउट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12वीं से लेकर के नीट, IIT, JEE Main एडवांस सभी की क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा। विद्यालय शिक्षा निर्देशालय भेजा गया है नोटिस राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला खंड शिक्षा अधिकारी को। यहाँ पे देखेगा विषय में GER में वृद्धि करने के संदर्भ में नोटिस है। उपरोक्त विषय अनुसार आपको अवगत करवाया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में GER जो वर्तमान में उच्चतर शिक्षा में 26.3% है, उसे 50% ले जाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस वर्ष से कार्य आरंभ किया जाना है, जिसके लिए 10वीं पास करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का दाखिला अगली कक्षा में सुनिश्चित करना होगा। राज्य में सबसे बड़ा ड्रॉप आउट 10वीं कक्षा पास करने के उपरांत ही होता है। इसे लड़कियां 10वीं कक्षा के उपरांत ही विद्यालय छोड़ देती है। हरियाणा जैसे राज्य में जहां 5 किलोमीटर के दायरे में प्लस टू का विद्यालय है, तथा सरकार की अनेक कल्याणकारी योजना है, जैसे BPL श्रेणी के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें, हजारों रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति, निःशुल्क छात्र परिवहन सुरक्षा योजना आदि, इसके बाद भी विद्यार्थी 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़े या चिंता का विषय है। इस संदर्भ में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस सबकी जानकारी माता पिता तक पहुंचाते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इस वर्ष कोई भी 10वीं कक्षा विद्यार्थी ड्रॉप आउट न हो। अतः 10वीं पास करने वाले 3 लाख विद्यार्थियों में CBSE प्लस हरियाणा बोर्ड का दाखिला कक्षा 11वीं सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आपको निर्देश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र अधिकार के गांव वार्ड में ऐसे प्रत्येक माता पिता के साथ यशानंत संस्थाओं के माध्यम से संपर्क करके इन नामांकन को संभव बनाए। ऐसे अभिभावकों को अपने बच्चों को 10वीं के बाद आगे बढ़ाना नहीं चाहते या आपको ड्रॉप आउट की संभावना लगती है, तो उसकी जानकारी स्कूल प्रबंधक समिति तथा ग्राम पंचायत को दें, ताकि इस अभिभावकों के संपर्क स्थापित करके उन्हें बच्चों का दाखिला करवाने के लिए अप्रेरित किया जाए। इसके लिए 31 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, तथा क्षेत्र अधिकार के गांव बोर्ड को ड्रॉप आउट मुक्त घोषित किया गया है। ऐसे संदर्भ में सभी DO का क्लस्टर प्रभावी होंगे। तो कल ये देर रात ये नोटिस रिलीज किया गया था। आप सभी के साथ हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा शिक्षा विभाग से संबंधित प्रत्येक नोटिस शेयर करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा भाई। धन्यवाद।